मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है। और इस जगह का नाम दीपलाई बिल है। बिल का मतलब झील होता है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ये बोंगाईगांव से करीब तकरीबन 60-65 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हम लोगों ने गाड़ी से आया था और तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया। और मैं इसका व्यू दिखाता हूँ, मैं और भी शॉट्स वगैरह दिखाऊंगा आपको। फिलहाल ये देखिए, एक पार्क बनाया हुआ है और इस पार्क में काफ़ी लोग आया जाया करते हैं। एक तरह से पिकनिक स्पॉट है और यहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं बेसिकली। दिखाता हूँ मैं आपको, पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ, ये देखिए। और इधर आप देखिए, घने जंगल है। यहाँ आपको फिल्मों का भी शूटिंग होता है, मॉडलिंग वगैरह भी होता है, यूट्यूब चैनल का शूटिंग वगैरह भी यहाँ लोग करते हैं। और मैं बेसिकली यहाँ पर देखने के लिए आया था कि यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय ये पार्क है, सोचा आप लोगों को दिखाया जाए। और मैं इसीलिए यहाँ आया था, देखता हूँ और आप लोगों को जितना अच्छा हो सके खूबसूरत दृश्य को दिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोग हमारे साथ बने रहें। कोकराझार का ये स्पॉट काफ़ी प्रसिद्ध है, लोग यहाँ आना पसंद करते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा जगह है, पार्क वगैरह है, झूला वगैरह है, घूमने के लिए बगीचा है, गार्डन है, बच्चे आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए अपने माता पिता के साथ, और ऐसे समय बिताने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। तो आप लोग भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूर देखिए वो बोट पीछे से मेरा गुजर रहा है, वो जो बोट जा रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं बोटिंग करने के लिए, लोग बोट पे चढ़ते हैं, बोटिंग करते हैं और बोटिंग का आनंद उठाते हैं। मैं इसको क्लोजअप में आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सुंदर से दिखाऊंगा मैं इसको। अब देखिए बोट गुजर के जा रहा है, उस बोट को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इस पार्क का हर हिस्सा को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये करकटी धूप में एक मछुआरा मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लाजवाब दृश्य, सचमुच में देखना अच्छा लग रहा है। नजदीक से दिखाता हूँ, पास से, बिल्कुल पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, आसपास चरवाहे भी को देख पा रहे हैं, चरवाहों को भी देख पा रहे हैं हम। ये देखिए सामने एक पक्षी बैठा हुआ है, इसे भी हम देख पा रहे हैं। उत्क
कृष्ण दृश्य। यहाँ हैंगिंग ब्रिज है, उस ब्रिज को भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करूंगा, आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको दिखा रहे हैं उस ब्रिज को, छोटा सा ब्रिज है, इस पर आना जाना, झील के ऊपर से एक ब्रिज है जिसको देखना भी अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। राइड के लिए हमारा बोट भी तैयार हो रहा है, हम इस पर जाएंगे, पूरे तालाब का सैर करेंगे हम। चारों तरफ जो झील है उसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। यह है हमारा बोट और हम बोट पर चढ़ चुके हैं, थोड़ी देर में यह चलने वाली है और ये पूरे झील का चारों तरफ का ये नज़ारा है, आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। पास से पहाड़ को दिखाता हूँ। चलिए हमारा बोट अप स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो गया है, चलिए चलते हैं, पूरे तालाब का सैर करते हैं। काफी बेहतरीन दृश्य, काफी बेहतरीन दृश्य।
काफी रोमांच महसूस कर रहा हूँ। एक बेहतरीन अनुभव। यहाँ की प्राकृतिक विस्तार को आप देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और कई तरह के पक्षियां हमें दिख रहे हैं। चारों तरफ देखिए, इस तरह से हम यहाँ से लौटकर वापस फिर अपने पार्क की तरफ आ रहे हैं और इस तरह से हमारा सफर ये खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में और हम वापस तट पर आ रहे हैं और यहाँ से तट पर बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और यहाँ से हमारा ये सफर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सफर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, हमें प्रोत्साहन जरूर दें, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।